हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी होने वाली है आपके लिए। तो चलिए आ जाते हैं वीडियो पे। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखे ट्रेड बहुत अच्छे मार्ट एंगल से विन कर रहे हैं। काफी डिफरेंस है, आप देख सकते हैं हम विन कर रहे हैं। कुछ ही सेकंड बचा हुआ, डिफरेंस काफी है। ये बिल्कुल नया सेटअप है, नया वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये सारा ट्रेड कैसे प्लेस किया गया है, कैसे लिया गया है, सब कुछ बिल्कुल न्यू। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी मैंने वीडियो लेकर सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हम ट्रेड विन कर रहे हैं, कुछ ही सेकंड बचे हुए हैं। अभी लंबा मार्जिन है, आप देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ अब आपको सेटअप। ये मैं सब कुछ हटा देता हूँ और ट्रेड मैं आपके सामने ही विन किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चले जाना है इस वाले ऑप्शन पे और आपको मिलेगा इंडिकेटर। इंडिकेटर लेना आपको पैराबोलिक और फिर से ओपन कर लेना है आपको। इसी सेक्शन को आपको चले जाना है ऑसिलेटर्स में। ऑसिलेटर्स में आपको मिलेगा एलिगेटर्स, होगा एलिगेटर, ठीक है। कुछ चेंजेस करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चेंजेस करने हैं। जा वाली लाइन को 8x8 कर लेना है, थिकनेस हम बढ़ा देंगे, थिकनेस आप डार्क कर दो। एक कट टिथ वाली लाइन को 8x5 भी रहने देना है और लिप्स वाली लाइन को 8x3। अब थिकनेस सबकी बढ़ा दो। पैराबोलिक में आपको ले लेना है 0x04, ठीक है, और थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दो आप। तो चलिए शुरू करते हैं बेड एओ को। मैंने ट्रेड कैसे प्लेस किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए पैराबोलिक हमें ऊपर से डॉट दे रहा था और हमारी तीनवें एलिगेटर की जो लाइन थी नीचे साइड आ रही थी, इसलिए मैंने एक मिनट का डाउन ट्रेड प्लेस। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अप ट्रेड प्लेस करनी, कैसे डाउन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट रखोगे आप, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। स्काई ब्लू वाली लाइन को जब एक ग्रीन और रेड लाइन, एलिगेटर की ग्रीन और रेड लाइन स्काई ब्लू वाली लाइन को क्रॉस ओवर करे, अप जाए, पैराबोलिक के डॉट नीचे से मिले, तो आप 1 से 2 मिनट का आपका ट्रेड प्लेस करना है। कहाँ करना है, जब स्काई ब्लू वाली लाइन को ये ग्रीन और रेड वाली लाइन क्रॉस करके अप जाए, पैराबोलिक के डॉट कम से कम 2 से 3 नीचे से मिल जाए आपको। और एक चीज और नोटिस करना है आपको, ये थोड़ा सा कैंडल जो क्रॉस ओवर करे तीनों लाइन, ठीक है, ये तीनों चीजें कन्फर्म हो तब आप 1 से 2 मिनट का आपका ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। और एक चीज मैं बता दूंगा आपको, जैसे ये लाइनें कट करेंगी अगर अप जाएंगी तो इसका ब्लू वाली लाइन भी अप डायरेक्शन में ही मूव कर देगी। बात आती है डाउन की, देखिए बहुत अच्छा मार्ट एंगल फॉलो हो रहा है। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से स्काई ब्लू लाइन को ये दोनों लाइनें क्रॉस करके डाउन आ रही हैं। आप देख लो, जब क्रॉस करके डाउन आ रही है पैराबोलिक के ऊपर से डॉट मिले, यहाँ पे भी मार्केट क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट का डाउन ट्रेड प्लेस करते इजिली विन कर जाते, ठीक है। कोई और भी हम ले लेते हैं, इंडेक्स या कोई भी करेंसी, हर जगह बहुत अच्छे से काम कर। और आप यहाँ देखो सारा कुछ अपवर्ड जा रहा है, ये इधर जा रहा है, पैराबोलिक को नीचे डॉट दे रहा, लेकिन मार्केट हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो ऐसी जगह आप ट्रेड नहीं लोगे। सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर देखो अप जा रहा है तो अप साइड ही कैंडल यानी ग्रीन बननी चाहिए, और अगर डाउन आ रहा है, डाउन आ रहा है तो डाउन साइड यानी रेड ही बननी चाहिए, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि ट्रेड आपको कैसे लेना है। स्काई ब्लू वाली लाइन को जब रेड और ग्रीन लाइन क्रॉस करके डाउन आया, पैराबोलिक के डॉट ऊपर से मिले और कैंडल भी हमारे हिसाब से बने यानी डाउन आ रहा है तो रेड बने, तब आप डाउन का ट्रेड प्लेस कर दोगे। और अप जा रहा है तो कैंडल और ग्रीन बने तो आपका ट्रेड प्लेस कर दो। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ज्यादा मैं लंबा चौड़ा खींचने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियो लेके आता रहूं आपको मिले। अभी आप देखिए इंटरसेक्ट इस वाली लाइन को अगर मैं देखता हूँ, अगर इस वाली स्काई ब्लू वाली लाइन को रेड और ग्रीन लाइन दोनों क्रॉस करके डाउन आती है पैराबोलिक के 1 से 2 डॉट और मिलते हैं, तो मैं 200 रुपए का एक डाउन का ट्रेड प्लेस। थोड़ा वेट करते हैं, अभी भी क्रॉस सिर्फ देखिए रेड कर रहा, मतलब ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। मार्केट में तो वैसे बहुत फ्लक्चुएशन है, कोई नहीं, मैं ट्रेड प्लेस कर चुका हूँ। आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छा मार्जिन भी हम विन कर रहे हैं। वेट कर लेते हैं मार्केट किधर जाता है, वेट करते हैं। और उम्मीद है स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि मैंने रिस्क बेसिस थोड़ा सा ट्रेड लिया है, क्योंकि पैराबोलिक के देखिए 2 डॉट मिले, मैं बोला हूँ ऑप्शन 3 डॉट मिले आपको। और इस स्काई ब्लू लाइन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इस स्काई ब्लू लाइन को अभी देखिए कितना मार्जिन है। इस स्काई ब्लू लाइन को ये जो दोनों लाइनें है हमारी ग्रीन और रेड दोनों क्या करनी चाहिए, क्रॉस कर दी चाहिए, तभी क्रॉस नहीं है। अब देखिए पैराबोलिक एक और डॉट मिला, क्लियरली मार्केट नीचे आया, लाइन इसको क्रॉस ओवर कर रही है और अच्छे तरीके से हम अभी भी ट्रेड में बने हुए और ट्रेड हमारे साइड ही जा रही है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है। जूम आउट आपको करा करके दिखाता हूँ, तो ये वाली ग्रीन वाली भी लाइन स्काई ब्लू लाइन को जब क्रॉस ओवर करे हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। और पैराबोलिक देखिए डॉट अभी 3 ही दिया है, 3 डॉट दे चुका है वो हमें। अभी यहाँ पे देखिए 0-0 पे हमारी ट्रेड हुई है, कोई लॉस नहीं हुआ है, नहीं कोई प्रॉफिट। तो मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जब स्काई ब्लू वाली लाइन को रेड लाइन को क्रॉस कर रहा है, ये वाली भी लाइन क्रॉस कर रहा है तब आप, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।